हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कुक विद दुर्गा। और आज हम बनाने वाले हैं भिंडी और चने की सूखी भुजिया। और सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा एक छोटी चम्मच, और इस जीरे को हमें भूनना है जब तक से इसका कलर गोल्डन ब्राउन जैसा ना हो जाए। ये देखिए, इसका कलर हो गया है गोल्डन ब्राउन जैसा। तो अब हम इसमें डालेंगे राई एक छोटी चम्मच। और ये देखिए, राई भी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और स्प्रिंग ऑनियन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, अब हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे बाइट। हमने भिंडी वॉश करके कट कर लिया था, तो अब हम इसमें डाल देंगे। और ये भिंडी डालने के बाद इसे हम चला लेंगे अच्छे से। और इसे हम चला के थोड़ी देर छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट तक। देखिए, भिंडी हाफ फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें बॉईल किया हुआ चना एक कटोरी इसमें डाल देंगे, ताकि चना भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये देखिए, ये फ्राई हो गया है हमारा भिंडी और चना दोनों। और अब हम इसमें मसाला डालने चलते। तो सबसे पहले हम मिर्ची मैश करके इसमें डाल देंगे। आपको जितना तीखा चाहिए उतने हिसाब से। हमने इधर पे 3 से 4 मिर्ची लिया है। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसमें हमें पानी ऐड एक बूंद भी नहीं करना है, इसलिए भिंडी है। और फिर उसके बाद डालेंगे एक बड़ा टमाटर कट करके। और फिर उसके बाद डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, फिर एक चम्मच इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम चलाते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज़ क्लिक करें, ताकि हमारा YouTube चैनल पे कुछ भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा सके और आप उसे देख के बना सकें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए, फ्राई हो गया। हम चलाएँगे एक दो बार अच्छे से। और ये देखिए, हो गया। तो इसमें हम गार्निश कर लेंगे कोरिएंडर मिंट धनिया पत्ता। और ये बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बना है रोटी के साथ, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। अब प्लीज़ 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 एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आपके घर में जो भी है, बूढ़े बच्चे, सब इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे। और इसे हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए, आज का हमारा रेसिपी तैयार है, चना भिंडी की सूखी भुजिया। और हम मिलते हैं अगले वीडियो।